बैक टू अ न्यू वीडियो। सो अभी हम पहुंच चुके हैं बैंकॉक, ये था हमारा डेस्टिनेशन। आप लोग को पता है कि मैंने बोला था कि सस्पेंस है, तो ये रिवील करती हूँ, हम आए बैंकॉक। हमको आना पड़ा हैदराबाद से, बिकॉज हमारी फ्लाइट हमको बॉम्बे से बहुत ज़्यादा लेट मिल रही थी और हमको बस एक दो दिन के लिए आना था, अर्जेंट काम था। सो इसीलिए हम लोग को वाया करना पड़ा, हैदराबाद से हमको यहाँ आना पड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वीज़ा सब लग गया है, अभी हम एक दो दिन में निकल जाएंगे। अभी हम जा रहे खाना खाने के लिए और आप देखना कि हैदराबाद से हमारी जर्नी कैसी थी। स्टे ट्यून्ड। हमारी सेकंड फ्लाइट पे हम बैठ चुके हैं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ये लोग ने अभी जो भी इंस्ट्रक्शन दिए कुछ भी समझ नहीं आया, ताका ताका सिर्फ नाना नाना सुनाया, पागल हो गए। जो डेस्टिनेशन पे आना था हम वहाँ पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खैरियत से पहुंच गए हम लोग। अभी मैं डायरेक्ट थोड़ा बहुत यहाँ का शूट करूँगी, फिर मैं डायरेक्ट होटल का शूट करती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर से। आपको फ़ोटो क्लिक करानी पड़ेगी क्योंकि हम लोग को वीज़ा के लिए फ़ोटो लगेगी और हमको मालूम नहीं था, और इतनी हंसी आने वाली क्योंकि इधर इतने लोग खड़े हैं। फिर देखो ऐसे जाके बैठना पड़ेगा, लोग वीज़ा अराइवल्स के यहाँ पर है। और ये देखो मेरी फ़ोटो कितनी क्यूट आई है। और अभी हम जा रहे हैं, मुझे वही ड्रेस पे देख रहे होंगे बिकॉज मैं अभी जस्ट यहाँ पे लैंड की हूँ। और आप लोगों को मैं बताऊँगी एग्जैक्टली मैं कहाँ पर हूँ, जब मैं होटल रूम पे पहुँचूँगी तब आप लोगों को पता चलेगा। ये थी मेरी जर्नी जो मैं ऑलमोस्ट हम एक ही दूसरा दिन चालू हो गया और हम लोग ट्रैवल ही कर रहे हैं। सो अभी हम लोग जा रहे हैं लगेज लेने, फिर यहाँ से जाएंगे डायरेक्ट होटल और मिलती मैं आपसे डायरेक्ट वहाँ पे। तो कैब लेने के लिए आप देख सकते हो कितने कलरफुल से, कितने पिंक ब्लू ग्रीन येलो वाइट एंड पिंक, कितना क्यूट लग रहा है। तो अभी कैब लेके फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे सीधा होटल के लिए। अभी हम लोग एयरपोर्ट से निकल गए हैं, अभी ऑन द वे होटल के लिए। जस्ट होटल पे पहुँचे और जस्ट आग लगी थी, अब ऐसे ही होटल आ गया। तो कितना प्यारा होटल है, इतनी शांति है यहाँ पे, बाहर देखो कितनी हरियाली है। आई लव यू गुड यहाँ पे कौन दिखा उसकी जबान देखो, हाय मम्मा कितना प्यारा है, कैसे घूम रहा है देखो रोड पे। हर जगह पे बस यही है, सिर्फ डोंट सिट डोंट टच 2000 फाइन, बस यही सब है। देख सकते हो मैं होटल रूम के बाहर ऐसी थी, सो यहाँ पे नीचे देखो कैसे लोग ड्रिंक करते हुए बैठे हैं, यहाँ पे कितना फ्रीली है सब कुछ। यहाँ पे एक शॉप है, मैं जाऊँगी, मुझे ना मैं बहुत पहले ना यूट्यूब पे कन्वीनियंस स्टोर और ये सब इधर के शॉप्स का वीडियो देखा करती थी, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। सो अल्लाह ने ये भी हमारी ख्वाहिश पूरी कर दी कि हमको यहाँ आना था, तो यहाँ पर भी आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, अभी तक बाहर तो निकले नहीं बट छोटी छोटी चीज़ें देखे बहुत अच्छा लग रहा है। सिमंत्री मैं आपसे थोड़ी देर में चेंज करती हूँ। हो चुकी है रेडी, अभी ये थोड़ा लेट रेडी हुई है और ऑलमोस्ट बाहर अंधेरा हो चुका है, ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाऊँगी। अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए तो आपको वो तो शेयर करूँगी ही मैं। सो अभी हम नीचे जल्दी अंधेरा हो गया, हम लोग अभी सोकर उठे और रेडी भी एकदम से
ओली स्किन को प्रेप किया हुआ है, कुछ ज्यादा रेडी भी नहीं हुआ है हम लोगों ने, सिर्फ लिप ग्लॉस लगाया है और लोशन लगाया हमारा जो हम लगाते हैं, और बहुत ज्यादा थक गए क्योंकि और खाने का कुछ पता नहीं, यहाँ पे मूड स्विंग हो रहा है खाने को लेकर, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो जैसे क्योंकि ये बैंकॉक है तो खाने के लिए अभी एक डाइनिंग रूम में हम लोग फंसे हुए कि क्या खाए और क्या। अभी दुबई होता तो वी कैन मैनेज इट, क्योंकि दुबई में तो दुबई और कोई भी कंट्री होती तो थोड़ा सा कर दे, बट अभी फिलहाल जूस वगैरह ही प्रेफर या फ्रूट सैलड प्रेफर करेंगे हम लोग, और बाहर जाके बाहर का भी आपको नजारा दिखाएंगे, और बस दुआ करना की जो काम से इंशाल्लाह वो काम जरूर हमारा हो जाए इंशाल्लाह। चलो अभी मिलते हैं बाहर जाके। सब बस ये पहन लिया क्योंकि कंफर्टेबल है और इजी टू वेयर एंड इजी टू गो, फटाफट जाओ फटाफट आओ। हम सुबह भी जब आए थे तभी भी इतनी ट्रैफिक थी, अभी भी बहुत रश है ना। खाना खाने जाना है यहाँ पर, यहाँ पर क्या क्या मिलेगा ज़ैनब तो एकदम शॉक हो गई है। ओ ज़ैनब ये वाली क्रॉक दिला ना मुझे, वाइट वाली, वाइट एंड ब्लैक। मेरा एक ड्रीम था 7-Eleven आना, और यहाँ पे मैंने 7-Eleven देखा और मैं जनों को बोल रही चल यहाँ पर अपने को कन्वीनियंस स्टोर है, यहाँ पर अपने को सब मिलेगा खाने वाने के लिए। दिल्ली दरबार जो कि बहुत ढूंढने के बाद में हम लोगों को वो एक खाने का स्टोर मिला है, वो है दिल्ली दरबार रेस्टोरेंट, जहाँ पे सिर्फ शेरिन खाना खाने वाली है। नहीं मुझे छोड़ के, बहुत खाने को लेके बहुत कम मैं इसको बोल टेंशन से खाती हूँ मैं। नहीं मैं इसको बोल रही 7-Eleven जाते हैं क्योंकि वहाँ पर जाएंगे वहाँ पे भी रात, बिकॉज रे वहाँ पर हमको इंस्टेंट नूडल्स मिलते हैं जिसपे लिखा होता है हलाल और नॉट हलाल। यहाँ के रिक्शा देखो कितने प्यारे यहाँ पे जो हिंदी बात करते तो बहुत अच्छा लगता है, पर मेरा मन है कि मैं 7-Eleven जाके कोई कप नूडल खा लूँ, क्योंकि मैंने बहुत देखा है यार यूट्यूब पे, मेरा एक ड्रीम था कि मुझे 7-Eleven जाना है, मैं भी खाऊँ वो लोग की तरह। सो लेट्स सी क्या है, कहाँ रुकते हैं और कहाँ खाते हैं। भाभी जी घर पर है तो वो शिरीन को बोल रहा है कि भाभी जी घर पर है, भाभी जी आइए हमारे यहाँ का खाना खाइए। हम लोग YouTube पे नहीं थे, कुत्ता काट के खिलाते। यहाँ पर अभी रुके हैं बट हमको थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, और मेरा मन नहीं है खाने का, मेरे को कुछ ज्यादा इतना खाने का मन नहीं है। ज़ैनब बोल रही है कि यहीं चलो अभी वेज मिलेगा अभी अपन को यहीं। तो इफ यू वांट टू हैव यू कैन हैव इट, आई बाय वन चिप और समथिंग। हाँ कैसा है ना कि कुछ कुछ स्टोर्स पे जैसे 7-Eleven कन्वीनियंस स्टोर जो होते हैं वहाँ पर शूट नहीं कर सकते, तो अभी मुझे पता नहीं है बट देखती हूँ अगर वो अलाउ करेंगे तो मैं अंदर का शूट करूँगी, और मैं चाह रही हूँ अभी अंदर कुछ देखने के लिए खाने पीने के लिए। लेट्स सी। पता है कि मुझे फ्रोजन फूड में देखती थी कन्वीनियंस स्टोर में ये सब बहुत ज़्यादा रहता है, सैंडविच ये सब है, बर्गर है, सॉसेजेस है, और बनाना मिल्क चॉकलेट मिल्क वो सब है। सो मैं देखती हूँ मैं क्या लेती हूँ, अभी इनमें से कुछ एक ले लूँ। ले लिया है सामान, अभी मैं जा रही हूँ पे करने के लिए, और लेट्स सी कि क्या है। मैं अभी जाके सीधा होटल रूम में ही खाऊँगी, यहाँ पे नहीं खाऊँगी। अभी है राइस पराठा, मैं नहीं खा रही, मैं सूखा पाव खा रही हूँ, और वहाँ पर पाव भाजी। मैंने सामान ले लिया है और मेरा बिल हुआ था कितना, एक सेकेंड में आपको बता दी, हाँ 105.4 हुआ था, तो मैंने 105 दिया और उन्होंने मुझे यहाँ का एक रिटर्न दिया। अभी मैं चाह रही हूँ ज़ैनब, खाना खा के भी हो गया है और आप देख सकते हो कि यहाँ पर हुआ है 582। मैं आप लोग को रेट्स इसके लिए बता रही हूँ कि आप लोग अगर सोचोगे हमारे बाद आने का तो ये आप लोग के लिए अच्छा सजेशन होगा। तो अभी 582 यहाँ का हुआ है, छोटा नहीं है, इंडिया से बड़ा पैसा है बैंकॉक का। नो टुक टुक, रुक रुक, यहाँ पर पूरी मार्केट नेचुरली सब सामने सामने जूस बना रहे हैं। जूस ये देखो अनार का,
वाओ कितना क्यूट है ज़ेनब, जो तू खा रही थी पता है जो खट्टा खट्टा लग रहा था तो उसका भी जूस है, लेमन भी है। और यहाँ पर देखो कैसे लगा हुआ है, कितने अच्छे से कपड़े देखे, जैकेट ये देखो कितना अच्छा लगा। तो देखते हैं हमारे साथ का तो कुछ भी नहीं दिख रहा, सब छोटी छोटी लड़कियों का दिख रहा है। तो फैन मोमेंट हमको बैंकॉक में मिल गए, माशाल्लाह अम्मी का नाम लेके मैं पहचान लिया। बस हम लोग डिनर करके, पता नहीं यहाँ पे जैसे 7:26 हो रहा है, 7:26 को हमारा डिनर हो रहा है। तो ऐसे एक छोटा सा वॉकिंग डिस्टेंस ले रहे थे और यहाँ पे एक स्ट्रीट मार्केट लगी हुई है। तो देखो शिरीन यहाँ पे घूम रही है, सिर्फ ब्लू वन, वेरी नाइस। हेलो मैडम, शो मी दिस ब्लू, यू हैव सेम कलर। तो देखो बैंकॉक के मजे ले रहे हैं, अभी हम लोग नाइट लाइफ भी देखने जाएंगे अभी थोड़ी देर में। अल्लाह कितना प्यारा है समदानी के लिए, ये देखो कितना प्यारा है। तो अच्छा है बैंकॉक के लिए, जितना सुना है ठीक है, हर जगह पे अकॉर्डिंग टू कंट्री सब जगह सब चीज़ें रहती है। बैंकॉक और थाईलैंड की किचन, ये देखो हाथी बहुत प्यारा है, समदानी हाथी देख के बहुत खुश होता है। अरे बाबा बैग देख कितने अच्छे अच्छे हैं यहाँ पे, बट यहाँ के रेट्स हम लोग को देख के बहुत हाई कर रहे हैं, वो अच्छा नहीं लगा हमको। जैसे जैसे देख रहे हैं लोगों को, ये देखो कितने क्यूट क्यूट बैग्स है, बट हमको देख के ये रेट ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। अभी देखो ये अच्छा लगा तो अभी पूछेंगे तो ये रेट ज़्यादा बताएंगे। मार्केट है यार, छोटी नहीं है, बहुत कपड़े हैं यहाँ पर। ये देखो बच्चे लोग के भी बहुत क्यूट क्यूट कपड़े हैं, बट यहाँ पे हमको देख के रेट्स बढ़ा रहे हैं, वो अच्छा नहीं लग रहा है। ये देखो फ्रॉक देखो कितना क्यूट है, टुक टुक। ये देखो अभी जैनब वहाँ जा रही है, क्लिप्स है यहाँ पे, मैंगो कैसे काट के रखे, जूस भी मैंगो का, पाइनएप्पल। और वहाँ पर देखो पिगी बैंक है, तो आपको दिखाते हैं। ये देखो कितने क्यूट क्यूट पिगी बैंक्स है, ये देखो डोरेमोन का टुक टुक पे, और बिल्कुल भी जगह नहीं हो रही है टुक टुक में, और मेरा बैग बाहर लटक रहा है, और मेरा बैग कोई भी खींच के लेके चले जाएगा। टुक टुक में बैठे अभी हम लोग जा रहे, किधर जा रहे थे ना, अभी हम लोग जा रहे एक जगह पे, वहाँ पे जाकर दिखाई, हाँ वहाँ पे जाके नाम नहीं ले सकते एक्चुअल में, बट क्या है ना कि इंसान जब घूमता है तो हर चीज के मजे ले, और हम लोग हर चीज के मजे ले, दुनिया कुछ भी सोचे हम बेफिक्र हैं। और इंशाल्लाह बस दुआ करो हर कंट्री हम लोग एक एक करके ऐसे ट्रैवल करते रहे, ट्रैवल करते रहे। आपके सामने दूसरी कंट्री ट्रैवल हो चुकी है, अब इंशाल्लाह तीसरी भी हो जाएगी जल्द से जल्द, जनवरी में कुछ न्यू दिखेगा फिर वापस ट्रैवलिंग में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर, और ये देखो हम रेल पटरियों पे से ये देखो यहाँ पे प्रॉन्स कैसे है, यहाँ पे देखो प्रॉन्स नारियल देखो कैसे रखा है छिलके। ज़ैनब इतनी खुश हो रही, बोल रही वहाँ पर कीड़े है, चला जा देखेंगे। नो फोटो, सॉरी। देखो कैसे कीड़े रखे अल्लाह उन लोग ने हाइड करके, ये देखो अभी हमें जो लंबा नहीं रहे कीड़ा ही गया। ओह माय गॉड, मैंने डेडलॉक्स करा और उसने फ्लैट्स करवाया। लोग
तो हम लोग वो देखने के लिए कि क्या है एग्जैक्टली कि सब चीज एंजॉय करना चाहिए, अब इतना पैसा लगा के है तो देखना तो बनता है। सो हम वो अभी देख रहे हैं यहाँ पे। सैरम कितनी जोर से चीख मारी, क्या हुआ? ओ माय गॉड, बिच्छू बिच्छू। हम लोग रुके हैं यहाँ पे स्मूदी पीने के लिए और देख सकते हो कितना क्यूट लग रहा है ये फ्रूट यहाँ पे कट करके रखा है। और यहाँ पे ड्रिंक्स भी है, यहाँ की ड्रिंक्स ऐसे होते हैं। और नारियल पानी मिली है हम दोनों के लिए, मैंगो स्मूदी। हम लोग निकल गए यहाँ से और कुछ मजेदार नहीं था, बस यहाँ पे अल्कोहल जो ऐसे सब बोलते ना थोड़ा, हाँ जो ये नशा पानी करते वो लोग के लिए सही है, बट हाँ बट हम लोग को कुछ समझ नहीं आया, बहुत अजीब लग रहा था। बट हम लोग ने ऐसे सब देखने के लिए आ गए, बट अच्छा लगा, चलो एंजॉय कर लिया। अभी हम जा रहे हैं होटल की तरफ। मैंने 7-Eleven से लिया था ये दो चिप्स का पैकेट और ये पोकी लिया था चॉकलेट, और ये एक है, ये है मिल्क फ्लेवर का, कॉर्न का बना हुआ है ये कॉर्न स्टिक। मेरे को ये टेस्ट करना था, एक बार ट्राई करना था, क्योंकि मैंने बहुत लोग के वीडियोस में देखा था जो कोरिया और जो बैंकॉक ये सब साइड रहता है वो लोग ये मोस्टली खाते थे, तो मेरे को मन था। और मैंने लिया रामेन, लिया स्पाइसी रामेन और ये कोल्ड ड्रिंक। सो मैं भी खाती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। मैंने रामेन बना दिया, मैं इतनी होशियार हूँ कि मैंने 7-Eleven से चॉपस्टिक भी नहीं लिया और रेस्टोरेंट हमारे होटल का हो गया क्लोज्ड। तो अभी मैं जा रही हूँ 7-Eleven चॉपस्टिक या कुछ लेने के लिए, मिल जाए मुझे तो अच्छा रहेगा। तो मुझे चल के भाग भाग के जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरा रामेन ठंडा हो जाएगा। और ये देखो मैं अकेले निकली हूँ, मैं बिना कैफ के या किसी के निकलती नहीं हूँ, बट मैं अभी अकेले जा रही हूँ। सो अभी डायरेक्ट 7-Eleven में मिलती हूँ 7-Eleven। और ये देखिए सामने, ये यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स है, और ये देखिए यहाँ पे सब कोरियन लोग का ही खाना है, मेरे को तो समझता नहीं है सब। ये सब है यहाँ पर है। तो 7-Eleven गई, मुझे कुछ मिला नहीं, ये एक स्पून मिला और ये चॉपस्टिक के बदले लोग ने मुझे क्या दे दिया, अब मैं कैसे खाऊं? चलो स्ट्रगल करते हैं इस स्पून से, छोटे से स्पून से खाऊं। खाना वाना सब हो चुका है, बहुत ज़्यादा थक गए हैं और बहुत ज़्यादा सर दुख रहा है। अभी मैं सोने जा रही हूँ, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बहुत सारा प्यार देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, टिल देन अल्लाह हाफिज़।